नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं शुरू में ही आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपको ये वीडियो उन सब लोगों तक पहुंचानी है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो सभी लोग जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की डिग्रियों पे सवाल उठाते हैं, जो उनकी काबिलियत पे सवाल उठाते हैं, जो ये साबित करना चाहते हैं कि एक कागज की डिग्री ही काबिलियत की निशानी होती है, या काबिलियत कुछ कागज के सर्टिफिकेटों या डिग्रियों की मोहताज होती है। जैसे आप ढूंढ ढूंढ कर ऐसे लोगों के वीडियो मुझे भेजते हैं कि देखिए जी, इनका जवाब दीजिए, आप इनके बारे में बताइए क्या कहना है। तो मेरी आपसे निवेदन है मेरा कि आप ढूंढ ढूंढ कर उन लोगों को, उनके नंबर ढूंढिए, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए जो लोग डिग्रियों पे, सर्टिफिकेटों पे सवाल उठाते हैं या काबिलियत को डिग्रियों से मापने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं आपको इस वीडियो में। वो कहानी केवल उन लोगों की जुबान बंद नहीं करेगी, उन लोगों का मुंह बंद नहीं करेगी जो आज ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके पास मेडिकल की डिग्री नहीं है तो आप मेडिकल से संबंधित कोई जानकारी किसी को दे नहीं सकते। उन लोगों का मुंह बंद करने के साथ साथ ये आम लोगों के लिए, खासकर हमारे युवा पीढ़ी के लिए, एक ऐसा संदेश देगी, एक ऐसा मैसेज है जो उन लोगों की जिंदगी बदल सकती। तो ये कहानी मुझे सोशल मीडिया से ही मिली है, मैंने इसको प्रिंट किया है और मैं चाहता हूं कि इस कहानी को पढ़कर मैं आपसे शेयर करूं। हेडिंग लिखा है इसमें, हैरान करता है अनपढ़ बंदे का मास्टर ऑफ मेडिसिन बनना। ये कहानी है कैमटाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे दुनिया का सबसे पहला बाईपास ऑपरेशन करने का गौरव हासिल है। उसने सन 2003 में एक ऐसे व्यक्ति को मास्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री से नवाजा जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। उसे अंग्रेजी का एक शब्द भी पढ़ना नहीं आता था, परंतु अपने रवैये, काम के प्रति लगन और मेहनत सदका उसने दुनिया में सबसे अधिक सर्जन पैदा किए। आप समझ सकते हैं, सर्जन पैदा किए एक अनपढ़ व्यक्ति ने। इस व्यक्ति का नाम हैमिल्टन था, जो कि अफ्रीका के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। वह बकरी चराता था, परंतु अपने बाप की बीमारी की वजह से वो गांव छोड़कर कैपटाउन आ गया। उन दिनों में कैपटाउन यूनिवर्सिटी में उसारी का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वह यूनिवर्सिटी में एक मजदूर के तौर पे भर्ती हो गया। सारे दिन की मेहनत के बाद वो जो कमाता वो घर भेज देता और आप केवल चने खाकर खुले आसमान के नीचे सो जाता। उसारी का काम खत्म होने के बाद, कंस्ट्रक्शन का काम जब खत्म हो गया, तो वह उसी यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। पौधों की देखभाल करने के लिए वो भर्ती हो गया। 3 वर्ष तक वह घास काटता रहा। फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया जिसने उसे मेडिकल साइंस के शिखर तक पहुंचा दिया। एक सुबह प्रोफेसर रॉबर्ट, जो कि जिराफ पर रिसर्च कर रहे थे, ने एक जिराफ को बेहोश किया और बेहोश करके उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। जिराफ ने अपनी गर्दन हिला दी, जिस वजह से उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ी जो ऑपरेशन के दौरान जिराफ की गर्दन पकड़कर रख सके। प्रोफेसर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, सामने हैमिल्टन घास काट रहा था
उन्होंने उसे इशारे से बुलाया और जिराफ की गर्दन पकड़कर रखने के लिए कहा। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली और वह ऑपरेशन 8 घंटों तक चला। इस दौरान प्रोफेसर ने कई बार चाय कॉफी पी, परंतु हैमिल्टन निरंतर 8 घंटे जिराफ की गर्दन पकड़कर खड़ा रहा। ऑपरेशन समाप्त होने के बाद वह चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दिया। अगले दिन भी वह जिराफ की गर्दन पकड़कर खड़ा रहा। फिर यह उसका हर रोज का काम हो गया। वह यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर में 8-10 घंटे जानवरों को पकड़ता और बाद में टेनिस कोर्ट का घास काटता। कई महीनों तक वह दोहरा काम करता रहा, परंतु इस काम के लिए ना तो उसने कभी तनख्वाह बढ़ाने की बात की और ना ही किसी किस्म की शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट उसके रवैये से बहुत प्रभावित हुए और उसने हैमिल्टन को माली से हटाकर लैब सहायक बना दिया, लेबोरेटरी का सहायक बना दिया। अब वह लैब में सर्जनों की मदद करना उनका काम था, जो वह कई सालों तक, कई वर्षों तक करता रहा। सन 1958 में उसकी जिंदगी में एक दूसरा अहम मोड़ आया। इस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल के ट्रांसप्लांटेशन के ऑपरेशन शुरू किए। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट बन गया और वह डॉक्टर बर्नार्ड के काम को ध्यान से देखता रहा। डॉक्टर ने उसे टांके लगाने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसको उसने बाखूबी निभाया। एक समय आया जब वह दिन में 50-50 लोगों को टंके लगाता था। ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए वह इंसानी जिस्म को डॉक्टरों से अधिक समझने लग गया, जिस कारण बड़े डॉक्टर ने उसे छोटे डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। धीरे धीरे उसका प्रभाव पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गया। सन 1970 में उसकी जिंदगी में एक तीसरा मोड़ आया। उस साल जिगर पर एक खोज शुरू हुई और हैमिल्टन ने एक ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी नाड़ी की निशानदेही कर दी, जिस कारण जिगर ट्रांसप्लांटेशन आसान हो गई। उसकी इस निशानदेही ने मेडिकल साइंस को हैरान कर दिया। आज दुनिया में किसी भी अस्पताल में अगर जिगर का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद जब मरीज आंख खोलकर रोशनी देखता है, तो इस कामयाब ऑपरेशन का सेहरा हैमिल्टन को जाता है। हैमिल्टन ने यह रुतबा कागजी डिग्री से नहीं, बल्कि निरंतर यत्न, दृढ़ता और अनथक मेहनत सदका हासिल किया है। वह रात को 3 बजे घर से निकलता, 14 मील पैदल चलता और 6 बजे ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो जाता। यूनिवर्सिटी में अपने 50 वर्षों के करियर के दौरान उसने बगैर कारण कभी छुट्टी नहीं ली, ना कभी वेतन बढ़ाने के लिए कहा और ना कभी कम सुविधाएं मिलने की शिकायत की। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा समय आया जब उसका वेतन तथा मिलने वाली सुविधाएं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से अधिक थी और वह रुतबा हासिल हुआ जो मेडिकल साइंस की दुनिया में आज तक किसी व्यक्ति को हासिल नहीं हुआ। वह मेडिकल साइंस का पहला अनपढ़ उस्ताद बना। वह पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। उसकी मौत के बाद उसे यूनिवर्सिटी में ही दफनाया गया। सोचने वाली बात यह है कि अगर आम मुलाजमों की तरह हैमिल्टन उस दिन जिराफ की गर्दन पकड़ने के लिए यह कहकर मना कर देता कि मैं तो माली हूं, मेरा काम जिराफ की गर्दन पकड़ना नहीं है,
तो वह मरते दम तक माली ही रहता। यह उसकी हां और आध घंटों की दिल से की हुई जद्दोजहद का कमाल था जिसने उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए और वह सर्जनों का सर्जन बन गया। समझने वाली बात यह है कि हमारे में से अधिकतर लोग जिंदगी भर नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं जबकि जरूरत काम की तलाश करने की है। हर नौकरी का कोई ना कोई मापदंड होता है लेकिन काम का कोई मापदंड नहीं होता। अगर हम चाहें तो दुनिया का कोई भी काम शुरू कर सकते हैं और उसे पूरी मेहनत और शिद्दत से पूरा कर सकते हैं। हैमिल्टन इस राज को पहचान गया था जिस वजह से उसने नौकरी की बजाय काम को तरजीह दी और मेडिकल साइंस में कमाल कर दिया। सोचिए, अगर वह सर्जन की नौकरी के लिए अर्जी देता तो क्या वह सर्जन बन सकता था? लेकिन उसने खुरपा नीचे रखा और जिराफ की गर्दन पकड़ी और सर्जनों का सर्जन बन निकला। आज की पीढ़ी के लिए आवश्यकता है सोच में तब्दीली करने की और नौकरी की जगह काम की तलाश करने की और उस काम को पूरी शिद्दत से करने की। युवा नौकरी की तलाश में है जबकि अदारों को काम करने वालों की जरूरत है। तनख्वाह से वेतन से अधिक काम करने वाले बहुत जल्द काम से अधिक वेतन लेना शुरू कर देते हैं। जो लोग पूरी ईमानदारी से निगरानी करते हैं उन लोगों को बहुत जल्द निगरानी करने के लिए लगा दिया जाता है। जिस दिन हम यह बात समझ जाएंगे उस दिन हम भी हैमिल्टन जैसे कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी में यहाँ आज की युवा पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए एक मैसेज है कि हम अपने काम को शिद्दत से करें, मेहनत से करें, ईमानदारी से करें और अगर हम जितने काम की तनख्वाह ले रहे हैं उससे अधिक काम करते हैं तो बहुत जल्द जितना हम काम करते हैं उससे अधिक तनख्वाह लेने लग जाते हैं। इसी के साथ ही ये कहानी उन लोगों का भी मुंह बंद कर देगी जो लोग ये सोचते हैं कि अगर आपके पास मेडिकल डिग्री नहीं है तो आप लोगों को मेडिकल से रिलेटेड कोई जानकारी देने का आपको अधिकार नहीं है। अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर विष्णुप राय चौधरी दुनिया में पहले ऐसे इंसान नहीं है जो बिना किसी मेडिकल डिग्री के जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं। पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना किसी मेडिकल डिग्री के मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो डिग्री 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 का रौला पा रहे हैं, जो डिग्री डिग्री चिल्ला रहे हैं उन लोगों तक पहुंचाइए और उन लोगों के जो फॉलोअर हैं उन लोगों तक भी पहुंचाइए और उनको ये सीखने का मौका मिले कि जनता का भला करने के लिए, लोगों का अच्छा करने के लिए और अपने काम में मेहनत से कामयाब होने के लिए किसी डिग्री या सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया। आज हम अपने टेलीग्राम ग्रुप को खोल नहीं पाए, मैं बिजी था किसी काम में, तो कल हम 10 से 12 दो घंटे उस ग्रुप को खोलेंगे। तो आप भी अगर डॉक्टर विष्णुप राय चौधरी जी के इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं, इसकी सपोर्ट करना चाहते हैं, इसकी मदद करना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे, मोबाइल नंबर पे 9256213157 9252613157 इस नंबर पे टेलीग्राम मैसेज कीजिए मुझे, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। ग्रुप का नाम है क्योर बाई मदर नेचर। कुदरत माँ की सहायता से हम बीमारियों से बचें, बीमारियों का इलाज करें। इस ग्रुप में शामिल होने के बाद आप लोगों से बहुत सी जानकारियां शेयर की जाएंगी और हम लोग एक संगठन बनाने की तरफ बढ़ेंगे। बहुत जल्दी एक संगठन का ऐलान करेंगे। आप
केवल एक मैसेज करें टेलीग्राम में कि मैं इस ग्रुप से जुड़ना चाहता हूं, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।